हमारे रेडी टू स्काई की ब्रश मोटर और बहुत अगर आपने देखे भाई सब हमने ज़्यादा रेडी टू स्काई में किया है रिकमेंड की फील्ड भी उसे किया तो क्या स्पेशली ये जो मोटर है ये एपीवी के लिए मोटर है जो नॉर्मल हमारे एपीवी ड्रोन्स होते हैं उसके लिए ये जो मोटर है। सो पहले मोटर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं देन जो ESC वगैरह है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो कैसे आप जैसे कि देख सकते हो RS2205 ये जो है मोटर है गाइस और ये जो है 2300 KV की ये जो है मोटर है। तो आप देख पा रहे हो रेडी टू स्काई यहाँ पे जो है कंपनी का नाम है। तो ओवरऑल बहुत ही जो बढ़िया मोटर है फॉर द FPV ड्रोन्स आप देख पा रहे हो जो क्वालिटी जो है जिसकी वो मुझे ज़्यादा आती है रेडी टू स्काई की मोटर की क्योंकि आपको जो है इसके प्राइस रेंज में जो है दूसरी भी जो कंपनी है या मोटर है वो अच्छी जो क्वालिटी है वो प्रोवाइड नहीं करती। अगर बिल्ड क्वालिटी देखें तो वो बहुत ही अच्छी है एंड देन मैग्नेट्स वगैरह देखें लेट मी फोकस इट अप या सो अगर मैग्नेट्स वगैरह देखें तो वो भी जो है अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा जो है इसका लुक भी बहुत ही अच्छा है एंड स्पेशली ये जो मोटर है इट्स डिज़ाइन फॉर FPV। सो आप जो है FPV में इसे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली ये जो मोटर है वो तक 50 mm टू 350 mm के ड्रोन है उसमें जो है ये सर देंगे। ओके तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी मोटर है अवेलेबल ऑन वेबसाइट तो आपके ऊपर जाके इसे परचेस कर सकते हैं। अगर ESC की बात की जाए तो ये जो है आपको 12 amps के यहाँ पे ESC लगेंगे इवन वो 30 ईयर अगर की बात करें तो ये भी ESC EMAX में शो यू। हाँ तो आप देख पा रहे हो ये जो है ESC है गाइस EMAX रियल हेली फर्मवेयर में ESC है ये अच्छा हाई क्वालिटी के ESC है एंड ये जो है 12 amp का ESC है 12 amp बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ESC। तो ये जो ESC आपको यूज़ आप जो है कर सकते हो अच्छी का ESC है। देन अगर प्रॉपलर की जाए तो यहाँ पर लगने वाले 4.5 ये जो प्रॉपलर है ये कोई लेने वाले आजकल अगर मोटर देखें तो प्रॉपलर की साइज़ बहुत ही कम है इसीलिए जो रिस्पांस टाइम जो है आपके मोटर का कॉर्ड का वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। सो ऑब्वियसली अगर आप FPV ड्रोन बनाएंगे तो उसका इस रिस्पांस टाइम आपको ज़्यादा ही लगेगा तो इसलिए जो प्रॉपलर ये एज कम्पेयर टू मोटर छोटी साइज़ का दिया 5x4.5 थिंक या 5x4.5 ये 5x30 है शायद या मतलब 5 इंचेस इसकी लेंथ है एंड 30 इन द सेंस 3 cm के आसपास जो इसका पिच होगा या तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा ये जो है प्रॉपलर भी है एंड ये जो है फ्लेक्सिबल प्रॉपलर है गाइस। तो की वजह से होता क्या है कि अगर ड्रोन क्रैश भी हो जाए तो जो प्रॉपलर के ब्रेकडाउन होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। सो ओवरऑल जो है बहुत ही अच्छा पावर सेट है गाइस एंड मुझे जो है मोटर है वो बहुत ही अच्छी लगती है फॉर द FPV ड्रोन्स। सो अगर आपको कोई FPV ड्रोन की मोटर की तलाश में हो गाइस जो कि लोएस्ट प्राइस में जो है बहुत ही अच्छी जो आपको क्वालिटी जो है ऑफर करते हैं तो यू कैन गो फॉर रेडी टू स्काई। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर रेडी टू स्काई का जो मोटर है बहुत ही अच्छा है तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर ये सारे जो किट है वो आप परचेस कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे प्रॉपुलर मोटर आपको जो पावर सेट जो है वो मिलने वाला है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही मैं दिखाना चाहता था। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि एक कौन से पावर सेट के बारे में बताएं हमारे FPV ड्रोन्स के लिए तो ये है गाइस पावर सेट। तो मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिकमेंडेशन हो अगर कोई भी पूछना हो तो आप जो है इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर जो है कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा एंड हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। सो मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में तब तक गुड बाय।